देखिए जो इस प्रकार के लोग हैं ना, जो रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सलाम है। वो लोग नहीं देखते कि क्या पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स हैं, किस प्रकार परेशानियां चल रही हैं। देखिए नकारात्मकता तो सभी उठाते हैं, नकारात्मकता को देखना ही नहीं चाहिए इंसान को, पॉजिटिवनेस की तरफ जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके सामने नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ज़रूरी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में शायद आप लोगों को कम पता होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक बहुत अच्छे गीत के बारे में। नाम सुना होगा आपने, गीत थोड़ा गा के दिखा देता हूँ। पानी पर्यो सरारा, तो ये जो गीत है दोस्तों पानी पर्यो सरारा, ये जो गीत है अभी फ़िलहाल जो एसी भारद्वाज जी है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है उनके बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एसी भारद्वाज जी ने अभी जो फ़िलहाल जो उनका मॉडर्न फोक नोट करके जो चैनल है उसमें जो मैशअप गीत बनाया था, काफ़ी सारे गीत जो संजो करके उनने गीत बनाया, उसमें सारे हिंदी सॉन्ग हो गए, काफ़ी पुराने हिंदी सॉन्ग, हिमाचली सॉन्ग, गढ़वाली सॉन्ग, ऐसे करके उनने एक नेपाली सॉन्ग गाया। तो आज हम उसी नेपाली सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, पानी पर्यो सरारा। तो ये जो गीत है दोस्तों, ये इन्होंने थोड़ा सा कम समय के लिए ऐसे करके मैशअप में गाया और बहुत अच्छा था वो गीत। तो दोस्तों ये जो पानी पर्यो सरारा है, ये आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आया है गीत, तो एक्चुअल में ये जो गीत है वो असली जो सॉन्ग है वो विपुल छेत्री जी का है। अब विपुल छेत्री जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, ये कालिम्पोंग जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के आसपास पड़ने वाला एक जगह है, कालिम्पोंग के रहने वाले हैं। और कालिम्पोंग में रहते हुए काफ़ी अच्छे जो नेपाली फोक से रिलेटेड ये मॉडर्नाइज वर्जन में और कॉस्टिक फॉर्म में गिटार के माध्यम से और बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ गीत बनाते हैं। तो ये जो पानी पर्यो सरारा है, ये मेनली सबसे ओरिजिनल फॉर्म में जो उनने गाया था, जो उनका खुद का कंपोजिशन है, वो विपुल छेत्री जी ने गाया था। अब विपुल छेत्री जी ये बहुत ही बड़े इंस्पायरिंग व्यक्ति हैं, इन्हें बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स ऐसे बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे डले हुए हैं दोस्तों। जैसे गाना हो गया और जैसे आपका हंगामा हो गया, ऐसे प्रकार के जितने भी जियो की ट्यून्स हो गई, तो ये कई सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे इनके गाने डले हुए हैं और नेपाली गीत आप सुन सकते हैं, मतलब उनकी प्रायोरिटी उनको दे करके रखी है। और इतना अच्छा मतलब स्टेज परफॉर्मेंस, और सिर्फ भारत में ही नहीं, इन नेपाल में और दुनिया के हर एक कोनों में इन्हें परफॉर्मेंस दिए। और हाल ही में कुछ ऐसे बैंड्स ने, जो नेपाल के जो बैंड हैं, उन्होंने भी ये पानी पर्यो सरारा का एक वर्जन गाया हुआ है, आपने शायद देखा नहीं होगा। वो बहुत ही मतलब उनने मतलब उस चीज़ को अपनी तरीके से गाया और बहुत अच्छा गाया। सपना एकांची कति चढ़े बीतेको यो
तो दोस्तों ये जो पानी पर सरारा है, ये जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो फिलहाल ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एसी भारद्वाज जी ने इसको अपने गाने में संजो करके बनाया है। हालांकि वो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम के जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैंने आपको बताया है कि जो एसी भारद्वाज जी हैं वो पुराने पुराने गीत को मतलब ढूंढ करके और जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी वाले हैं और जो जिनको लोग पसंद करते हैं ऐसे गीत को वो गाना पसंद करते हैं, और काफ़ी हद तक उनकी जो वॉइस है वो मैच करती है और बहुत अच्छी फ्लुएंसी से एसी भारद्वाज गाते भी हैं। और विपुल छेत्री जी की बात तो क्या करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा मतलब उनका जो सॉफ्ट वॉइस है और गिटार के माध्यम से जो वो गाना गाते हैं ना, मतलब दिल बहुत अच्छा लगता है, सुन के भी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस में, कई सारे उन्हें इंटरव्यूज़ पे भी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, पर जो पानी परे सरारा जो इनका आसार करके, आसार एक्चुअली आसार के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो आषाढ़ क्या है दोस्तों, आपको बता दें, आषाढ़ एक महीना होता है, ये आषाढ़ का बीजा जो आषाढ़ मतलब कहा जाता है पानी जब पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी की बरसात होती है, वर्षा का मौसम होता है, तो उससे रिलेटेड ये गीत है। तो पानी परे सरारा मतलब पानी गिर रहा है लगातार और ऐसे करके पानी से सब कुछ भीग गया, इस प्रकार का बहुत ही रमणीय गीत है और देख करके सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एसी भारद्वाज जी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने मॉडर्न फोक नोट में दी, ये देख करके इतना मन प्रफुल्लित हो गया कि क्या बताएं। देखिए जो इस प्रकार के लोग हैं ना, जो रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सलाम है। वो लोग नहीं देखते कि क्या पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स हैं, किस प्रकार परेशानियाँ चल रही हैं। देखिए नकारात्मकता तो सभी उठाते हैं, नकारात्मकता को देखना ही नहीं चाहिए इंसान को, पॉजिटिवनेस की तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव विचार हमेशा अच्छा होता है और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप करने का जो ये जो संगीत इंडस्ट्री कर रही है ना दोस्तों, जो इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, जो मतलब अकेले जो खुद के लेवल पे, जो भाषा के आधार पे, गाने के आधार पे जो रिलेशन बनाने में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को दोस्तों सलाम है। एसी भारद्वाज जी को भी और विपुल छेत्री जी को भी, ऐसे करके जितने भी नेपाली सिंगर हो गए और ऐसे करके जितने भी इंडियन सिंगर हो गए, जो मतलब म्यूज़िक को बियॉन्ड बॉर्डर्स ले जाते हैं और बियॉन्ड बॉर्डर की बात करते हैं, ऐसे लोग जो है ना वो समाज का निर्माण ही करते हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं करते। देखिए मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा दोस्तों, नकारात्मकता की तरफ ना जाते हुए जो भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संगीत को, अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं और भारत और नेपाल के संदर्भ में अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना। और सिर्फ देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि जो भी हम भी जो बनाते हैं वीडियो, बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन बिल्डअप करने की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं, ना कि मतलब सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए लोगों का सिर्फ यूज़ करना, ये हम नहीं करते दोस्तों। आपको भी मालूम है हम सिर्फ सच्चाई पेश करते हैं और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बातें पर हम मतलब हमारा फोकस रहता है, और जो मेन जड़ है वो भारत और नेपाल के रिलेशन को बिल्डअप करना हमारा मेन एम है। तो इसके लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, और मैं यही कहना चाहूँगा कि एसी भारद्वाज जी और विपुल छेत्री जी और नेपाल के बड़े बड़े सिंगर्स और भारत के बड़े बड़े सिंगर्स इसी प्रकार भारत और नेपाल के संदर्भ में बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते रहें और एक दूसरे की भाषा को एक्सचेंज करते हुए गीत गाएं, तो इस प्रकार मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, हम भी बहुत मेहनत करते हैं भारत और नेपाल के संदर्भ में बहुत अच्छे वीडियोस बना करके, जो मतलब रिश्तों को अच्छा करें, तो इसके लिए पूरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग भी वीडियोस को थोड़ा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या आपके वाइबर ग्रुप्स हैं जहाँ पर आप एक्टिव रहते हैं, मैसेंजर में, कहीं पर भी, जो भी सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हैं और जहाँ पे आपका ग्रुप है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि एक अपील है मेरी तरफ से, जो मैं आपके लिए इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे मैं यही अपील करना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वीडियोस हैं इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में। देखिए शर्माइएगा मत कि आपके इस कदम से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम मतलब अब एनर्जी से आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियोज़ बनाएंगे। और काफ़ी मतलब मैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ज़्यादा आगे तक मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और
भगवान करे उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिले और आपका भी सपोर्ट मिले, आपका भी सहयोग मिले। बस यही चाहूँगा दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैला दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।